एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग जो है देखने वाले हैं आप लोग का एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है इधर आप लोग का 5 अप्रैल को आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैंने आप लोग को प्रूफ भी दे रखा है तो वो आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग जो है सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्यों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, देन आप लोग को मेरा चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल को आप लोग अगर ज्वाइन करोगे तो इधर आप लोगों को सारी पीडीएफ मिलेगी क्लासेस की। ठीक है, आप लोगों का क्लास अपडेट भी मिलेगा, कौन सी क्लास आप लोग की अपकमिंग में कौन सी क्लास आप लोग की होने वाली है, और प्लस आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं ठीक है उसका अपडेट भी आप लोग को मिलने वाला है। तो सिंपली जाकर आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप लोगों को प्रूफ दिख रहा होगा, ये आप लोग का मैसेज है जो कि भेजा जाता है किसकी तरफ से, आप लोग का सीएएसपी के द्वारा। ठीक है, जो आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? अब देखो पहला मैसेज अगर मैं देखूं तो ये आप लोगों का कब आया है, 22 अक्टूबर को आया है। ठीक है, एंड सेकंड मैसेज अगर मैं देखूं तो ये आप लोगों का 6 नवंबर को आया है। ठीक है, अब इतना आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जब भी पेपर होता है उससे 2 दिन पहले आप लोगों को फुल एडमिट कार्ड मिलता है। ओके, 2 दिन पहले क्या मिलता है, फुल एडमिट कार्ड मिलता है। इसका मतलब इन सर का जो पेपर रहा होगा वो आप लोगों का 8 नवंबर को रहा होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट पे से मैंने लिया ये। ओके ना, तो इनका जो पेपर था वो 8 नवंबर को था। ठीक है, इसलिए उनको जो है 6 नवंबर को क्या मिला था, एडमिट कार्ड मिला था पूरा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब जिसका 18 अप्रैल को पेपर है ठीक है, उसके 2 दिन पहले मतलब 16 अप्रैल को आप लोगों को फुल एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, आप लोग की एडमिट कार्ड की। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आप लोग का एग्जाम डेट की एंड आप लोग का नेम ऑफ एग्जाम सिटी, सिटी कौन सी आप लोग की एग्जाम की। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो कब मिला था, 22 अक्टूबर, और पेपर कब से स्टार्ट हुए थे आप लोग के, 4 नवंबर से। ठीक है, मतलब कि आप लोग का 14 डेज पहले ही आप लोग को जो है एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट आप लोगों को पता चल चुका था। ओके, इसका मतलब मैं क्या समझूं, अगर मेरा पेपर जो है 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 18 अप्रैल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके 14 दिन पहले ही मेरे को क्या मिलने वाला है, आप लोगों का एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी मिलने वाला है। इट मीन्स मेरे को जो आप लोग का जो एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी का एडमिट कार्ड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इतना जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को जो है 5 अप्रैल से मिल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन, सॉरी आप लोग का जो थंबनेल है उसमें मैंने क्या लिखा था, आप लोग को 5 अप्रैल को आप लोग एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप लोग इधर देख पा रहे हो कि 5 अप्रैल को आप लोग को एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी आप लोग को पता चल जाएगा, और बाकी फुल एडमिट कार्ड आप लोग को पता ही होगा कि 2 दिन पहले मिलता है आप लोग के पेपर से पहले। ठीक है, अगर 18 को है 16 को मिलेगा, अगर 19 को तो 17 को मिलेगा, या 20 को है तो आप का जो है 18 को मिलेगा, मतलब 2 दिन पहले आप लोग को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, फुल जो एडमिट कार्ड होता है। अगर बात करते हैं हम लोग एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी की, तो वो आप लोग को डेफिनेटली कब मिलने वाला है, 14 दिन पहले मिलने वाला है आप लोगों के पेपर से। ठीक है, तो ये आप लोग का 5 अप्रैल को आप लोग को एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी पता चल जाएगा, एंड आप लोग अगर किसी का 18 अप्रैल को पेपर है उसको 16 अप्रैल को फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।